प्राइम, इस ये पहले क्वेश्चन भी आया, चले इसको करते हैं। प्राइम वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, सिर्फ दो फैक्टर्स हो, एक उनका होगा फैक्टर वन, फैक्टर्स जो है एक वन होगा और एक इटसेल्फ होगा, इसके अलावा उनका और कोई फैक्टर नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे प्राइम नंबर्स है आपके पास। अब आप इनके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करें होल नंबर्स की फॉर्म में, तो आप देखेंगे कि ये किसी और चीज पे डिवाइड नहीं होगा। 19 को आप 2 पे, 3 पे, 4, 5, 6, 7, 8 किसी पे भी डिवाइड करें नहीं होगा, सिर्फ 1 पे डिवाइड होगा या अपने आप पे होगा, ठीक हो गया। एग्जैक्ट तो इसको हम कहते हैं कि प्राइम नंबर्स, जो कि जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक उनका फैक्टर होगा 1 और एक वो अपने आप के साथ उनका फैक्टर होगा। दूसरे आ जाते हैं जी को प्राइम नंबर्स, को प्राइम्स। दो नंबरों को आपस में जब आप इस कैटेगरी में देख लें कि भाई उनके दरमियान में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, चाहे उनके फैक्टर्स में 2, 3, 5, 7, 9 कुछ भी आ जाए, ठीक है, कोई भी और फैक्टर उनका अपना आ सकता है, लेकिन उनका दूसरे के रिलेशन में अगर कोई फैक्टर नहीं है तो वो को प्राइम होंगे। फॉर एग्जाम्पल 8 और 9 मैंने आपको एग्जाम्पल दी हुई है, 8 और 9। अब देखिए 9 जो है इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 9 into 1 भी हो सकता है, 3 into 3 भी हो सकता है, 8 जो है ये 4 into 2 भी होगा, 2 into 2 into 2 भी होगा, ठीक है जी, और 8 into 1 भी होगा। लेकिन इनमें आप नोट करें कि सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो है ये वाला 1 बस, बाकी इनके दरम्यान में आपको कोई फैक्टर कॉमन नजर नहीं आएगा। इस चीज को हम कहते हैं कि ये आपस में प्राइम नंबर्स है, ठीक है। जनरली प्राइम नंबर हम उनको कहते हैं कि जिसका एक फैक्टर वो खुद हो और एक फैक्टर 1 हो, लेकिन जो को प्राइम है वो दो का आपस में रिलेशन है। कोई भी दो नंबर ऐसे जिनमें सिर्फ 1 कॉमन है, उसके अलावा उनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं आता, उसको हम कहते हैं को प्राइम। बात समझ में आ गई जी, ये जिनका क्वेश्चन था उनको समझ में आ गई। जी सर। चले ठीक है, सर अहमद ये मकसूद साहब का था। को प्राइम से रिलेटेड अगर एक और एग्जांपल सर करा दें सर। अच्छा जी, को प्राइम से रिलेटेड कोई और एग्जांपल, अब मुझे सोचना ही पड़ेगा, लेकिन ट्राई करते हैं, सोचने वाला काम जो है बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल वी हैव 35 and 9, 9 कह, ठीक है, 35 and 18 कह रहे, चलता इसको छोड़ दे आप, 9 को 18 तो नहीं होगा, खैर 75 सर 35 and 6। 35 and 6, ठीक है, वो भी हो सकता है, पॉसिबल है। खैर 35 के आप फैक्टर्स बनाए, क्या क्या बनेंगे, एक होता है ना 1 into 35 जो है वो 35 होता है, इसके अलावा क्या होगा 7 into 5, 35 होता है, और कोई आई थिंक इसका फैक्टर नहीं बनता, ठीक है। जो 18 है इसको अगर आप फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, और 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 6 अगेन वही आ जाएगा, फिर 9 into 2 वगैरह, तो इसके ये वाले फैक्टर्स हैं और जो 35 है इसके। अब नोट कीजिए कि इन दोनों फैक्टर्स में, इसके फैक्टर्स ये वाले हैं और 35 के फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए, इन दोनों के फैक्टर्स में कोई भी चीज 1 के अलावा कॉमन नहीं है, 1 के अलावा कॉमन नहीं है। सो ऐसे दो नंबर्स जिनके आपस में जब आप तो उनके अलग अलग से आप फैक्टराइज उनको कर लें और फिर देखें कि उनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो उनके आपस में फैक्टर्स में 1 के अलावा कोई भी और कॉमन नहीं है, तो वो आपस में प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर, ठीक है जी। आई होप कि ये ओके आपका सर समझ आ क्वेश्चन गया। क्लियर हो गया, ठीक है जी। चले, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स जो कि नॉन प्राइम होते हैं उनको हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं, और ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, उनके अच्छा जो उनकी नोटेशन है ना, कि W स्टैंड्स फॉर होल नंबर, फिर Z जो है ये इंटीजर्स के लिए होता है, N होता है नेचुरल नंबर्स के लिए, मोस्टली यही आपसे पूछे जाते हैं, Z या फिर I भी इसको लिखते हैं, ये इंटीजर्स होगा, ये नेचुरल नंबर होते हैं, ये होल नंबर होते हैं। होल नंबर 0, 1, 2, 3 होते हैं जी, ठीक है, और जो है क्या उसको कहते हैं इंटीजर्स हैं, ये 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2,
अप टू सो ऑन, ठीक है, जब आपने सो ऑन करना है या फिर आपको पता है कि ये खत्म नहीं होते तो आप वहां पे तीन डॉट्स लगा देते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हैं। सिमिलरली नेचुरल नंबर्स हैं तो ये होते हैं जी 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक हो गए। और ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, आपको पता है इवन जीरो जो है वो इवन नंबर कहलाता है और जीरो नॉन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं है लेकिन वो नॉन नेगेटिव कहलाता है, ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है।